दोस्तों, अगर आपका एक YouTube चैनल है या फिर आपका कोई वेबसाइट है जिस पर आप ब्लॉगिंग वगैरह करते हो, तो आपको पता है कि इनका जो पैसा होता है ना, वो आपके Google AdSense पर ही आता है, जो भी अर्निंग होती है। सो आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि Google AdSense अकाउंट कैसे बनाया जाता है। और आप में से काफी सारे लोगों का क्वेश्चन भी था, काफी सारे लोगों ने कॉमेंट करा था कि Google AdSense अकाउंट कैसे बनाया जाता है अपने मोबाइल से। सो आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पर बहुत जरूरी बता दूँ कि यहाँ पर आपको पता होगा कि जो Google AdSense अकाउंट होता है वो सेम नेम एंड सेम एड्रेस से सिर्फ एक ही बार बनाया जा सकता है। अगर आपने अपने नाम से एंड अपने एड्रेस से एक बार एडसेंस अकाउंट बना लिया, तो दोबारा आप लाइफ में अपने नाम से अपने एड्रेस पर दोबारा एडसेंस अकाउंट नहीं बना सकते। इसलिए जब भी आप एडसेंस अकाउंट बनाओ, तो अपना जो भी वो ईमेल आईडी है या फिर उसका जो पासवर्ड है ना, उसको आप कहीं अलग से लिख करके सुरक्षित रख ले, ताकि कभी भी काम पड़े तो उसको आप इजिली लॉग इन कर पाए। चलता हूं मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूं कैसे आपको गूगल एडसेंस अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्या क्या चीजें आपको उसमें लगती है। तो दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हो आज को मोबाइल की स्क्रीन पर, और यहाँ पर मैंने अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर रखा है। यहाँ पर आपको सबसे पहले सर्च बार में सिंपल से सर्च कर लेना है गूगल एडसेंस। सो देख सकते हो ये जो आपके फर्स्ट में जो आपके सामने आती है एडसेंस अर्न मनी फॉर, ये वाला, इस पर आपको सिंपल से एक बार इसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपके सामने गूगल एडसेंस का होम पेज ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर देखो, आप फर्स्ट टाइम पहली बार आपको अकाउंट बनाना ना, तो यहाँ पर आपको सिंपल से ये जो आपको ऑप्शन मिला है गेट स्टार्ट का, यहाँ पर आपको सिंपल से गेट स्टार्ट पर क्लिक कर देना। अब सबसे पहले आपसे वो जीमेल आईडी मांगा जाएगा जिस जीमेल आईडी से आप एडसेंस बनाने वाले हो, ठीक है। तो यहां से एक मैं अपना ईमेल आईडी सिलेक्ट कर लेता हूं, और ध्यान रखना इस ईमेल आईडी का पासवर्ड एंड ईमेल आईडी को सुरक्षित रखना है, कभी भी आपको भूलना नहीं है, ठीक है। तो यहां से मैं एक ईमेल आईडी सिलेक्ट कर लेता हूं। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज आ चुका है, देख सकते हो ए कपल ऑफ थिंक बिफोर यू स्टार्ट, ठीक है। मतलब यहां पर देखो, सबसे पहले आपके सामने ऑप्शन आया योर साइड का, तो योर साइड में अगर आपका कुछ भी है, यूट्यूब चैनल है तो यूट्यूब चैनल का लिंक देना, वेबसाइट आपका कोई है, ब्लॉग बनाते हो तो आपको ब्लॉग का अपने यहां पर लिंक देना, जो भी चीज आपका फेसबुक पेज है उसका लिंक दे देना, ठीक है, यहां पर आपको लिंक दे देना। लेकिन यहां पर अभी इस पर अगर आपके पास यहां पर कोई भी अभी यूट्यूब चैनल का लिंक नहीं है, पहले से बना रहे हो, तो यहां पर आपको सिंपल सा आई डू नॉट हैव ए साइट एट पर यहां पर क्लिक कर देना है। देन आपको नीचे आना, तो यहां पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है गेट मोर आउट ऑफ एडसेंस, मतलब कि आप जो एडसेंस के इनके कस्टमर वगैरह होते हैं इनसे आपको सजेशन सही या फिर ना चाहिए, तो यहां पर आप इसमें यस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो सजेशन आपको मिल जाएगा। देन आपको नीचे यहां पर आना है, तो यहां पर आपको अपना कंट्री सिलेक्ट करना है, तो यहां से मैं तो इंडिया से बिलोंग करता हूं, तो जो भी आपकी कंट्री है वो कंट्री आपको सिलेक्ट कर लेना। तो यहां से मैं सिंपल सा अपना इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूं। अब नीचे आओगे तो बहुत सारे यहां पर आपको कुछ टर्म एंड कंडीशन लिखी होती है, तो इनको आपको सारा का सारा स्क्रॉल कर देना, और जब सबसे नीचे आप आओगे तो यहां पर आपको एक चेकबॉक्स मिलेगा, यहां पर आपको इसको सिंपल सा टिक कर देना, ठीक है। मतलब आपको सारा कुछ एक्सेप्ट है जो इनका एग्रीमेंट दिया हुआ है। देन यहां पर आपको स्टार्ट यूजिंग एडसेंस पर क्लिक कर देना, तो इसके ऊपर जैसे मैंने क्लिक करा तो फाइनली आप देख सकते हो गूगल एडसेंस का होम पेज ओपन हो चुका है और सक्सेसफुली अपना एडसेंस बन चुका है। लेकिन यहां पर देखो कुछ इसमें ऑप्शन दिए जा रहे हैं, ये आपका एड साइट का ऑप्शन आ रहा है, तो यहां पर मैंने आपको बता दिया कि जब भी आपका कोई यूट्यूब चैनल है या फिर जो भी आपका वेबसाइट है, तो यहां पर आपको लिंक को कॉपी करके पेस्ट कर देना है और यहां पर सेव पर क्लिक कर देना है, तो आपका यहां पर गूगल एडसेंस पर जो भी चीज आपका यूट्यूब चैनल है या फिर आपका फेसबुक जो भी है, तो आपका लिंक हो जाएगा। देन नीचे आप आओगे तो यहां पर देखो सबसे पहले टेल अस अबाउट यू, मतलब अपने बारे में यहां पर थोड़ा सा इंटर इंफॉर्मेशन भरना होगा, अपनी पूरी यहां पर डिटेल भरनी होगी, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं, तो यहां पर देखो कस्टमर इंफॉर्मेशन करके ऑप्शन आ रहा है, यहां पर आपको अपनी सारी डिटेल भरना होगा जिसके नाम पर आप अपना एडसेंस बनाने वाले हो। इसमें सबसे पहले आपका ऑप्शन मिलता है अकाउंट टाइप का, तो अकाउंट टाइप में आप देखोगे दो ऑप्शन मिलते हैं इंडिविजुअल एंड बिजनेस। तो अगर आपका बिजनेस है, कई सारे लोग, कोई आपका कंपनी है तो वहां पर कई सारे लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो वो चीज तो आपका है नहीं है, आपका पर्सनल खुद का चीज है, यूट्यूब चैनल है या फिर वेबसाइट है जो भी है, तो आपको यहाँ पर इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम एंड एड्रेस देना होगा, तो यहाँ पर मैं अपना नाम दे देता हूँ, एड्रेस वन एंड एड्रेस टू, यहाँ पर दो लाइन है, तो यहाँ पर अपना आधा आधा एड्रेस दे सकते हो। बहुत सारे लोग कंफ्यूज आते हैं कि फर्स्ट में तो हम एड्रेस दे देंगे, सेकंड में क्या देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आधा इसमें दे दो आधा इसमें दे दो। उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी टाउन है, जो भी सिटी है वो दे देना है, यहाँ पर आपको अपना पोस्ट कोड दे देना, यानी कि पिन कोड जो भी आपका होता है, यहाँ से आपको स्टेट सिलेक्ट करके, और यहाँ पर मोबाइल नंबर ऑप्शनल होता है, चाहो तो दे भी सकते हो। सो फाइनली यहाँ पर देख सकते हो मेरे नाम से तो ऑलरेडी गूगल एडसेंस बन चुका है, इसलिए यहाँ पर मैंने अपने मम्मी के नाम से बनाया हुआ है, एंड यहाँ पर एड्रेस वन एंड एड्रेस टू पर यहाँ पर आधा आधा एड्रेस फिल कर दिया, और नीचे यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मैंने अपना सिटी देकर अपना पोस्टल कोड जो भी यहाँ पर पिन कोड होता है वो दे दिया, स्टेट सिलेक्ट करके, और मोबाइल नंबर ऑप्शनल था फिर भी मैंने दे दिया। अब ये जो आपके सामने सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, सिंपल आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
सो यहाँ पर आप देखो, ये जो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन था यहाँ पर, ये जो आपका यहाँ पर आपके बारे में पूछा जाता है, ये सक्सेसफुली आपका डन हो चुका है। अब यहाँ पर आपको पता है कि इसमें आपका एड्रेस वेरिफिकेशन भी होता है, आपको पिन मंगवाना पड़ता है, तो वो चीज आपका तब आती है जब आपके इस पर आपका $10 कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पर जो आप देख रहे हो ना, ये इंटरफेस यहाँ पर एड साइड करके आ रहा है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे जो आपका, जो आपको याद होगा जो ओल्ड वर्जन हुआ करता था, उसमें कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपका होम पेज पर आपका डॉलर दिखाई दिया करता था, लेकिन इसमें कुछ इस तरीके का आ रहा है। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये हमारा कहीं गूगल एडसेंस में कुछ मिस्टेक तो नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर आपको अगर अपनी अर्निंग चेक करने की, आपका कितना डॉलर बना हुआ है, तो यहाँ पर आपको आना पेमेंट वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर आप देखोगे जो भी आपका अर्निंग जितना डॉलर होगा तो यहाँ पर आपका शो कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका यहाँ पर गूगल एडसेंस सक्सेसफुली देखो बन चुका है। गीता, जो मेरी मम्मी का नाम है, गीता नाम से, और यहाँ पर इसकी जो ये आईडी दी होती है ये भी यहाँ पर देखो दी गई, मतलब सक्सेसफुली अपना गूगल एडसेंस क्रिएट हो चुका। जब भी यहाँ पर $10 कंप्लीट हो जाएगा इस गूगल एडसेंस पर, तो सक्सेसफुली हमारा एडसेंस की तरफ से पिन आ जाएगा, जिसको भर करके यहाँ पर एड्रेस वेरीफाई हो जाएगा। और उसके बाद सिंपल सा आपको अपना बैंक ऐड कर लेना, जैसे बैंक ऐड कर लोगे तो $100 जैसे आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो आपका पैसा आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा कितना सिंपल तरीके से आप अपने मोबाइल फोन से खुद का गूगल एडसेंस अकाउंट बना सकते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो जरूर अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है मैं यूट्यूब से रिलेटेड हमेशा इस तरह का इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो लाता रहता हूँ। जो भी आप लोग कॉमेंट करते हो उसका वीडियो जरूर बनाता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर कुछ अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।